दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि IIT गुवाहाटी अपने जुलाई 2020 सेशन के लिए M.Tech प्रोग्राम का नोटिफिकेशन एडमिशन के लिए निकाल चुका है। आप लोगों में से कुछ लोग इसके लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल चुके होंगे और जो नहीं डाले हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि इसका डेट एक्सटेंड हो चुका है। वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। हम लोग बारीकी से एक एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि इसमें कौन कौन से कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, M.Tech प्रोग्राम के यानी कि हर डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन कितने तरीके का है इसमें, वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन या स्पेशलाइजेशन में एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है, एलिजिबिलिटी हर M.Tech प्रोग्राम के लिए कौन कौन सा है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें कि रिजर्व कैंडिडेट वाले फॉर्म डाल सकते हैं, अगर मान लीजिए दो लोगों का गेट स्कोर अगर सिमिलर हुआ तो टाई ब्रेकिंग फाइनल स्कोर में कैसे होता है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, और डेट वगैरह अगर कुछ है तो काउंसलिंग का या रिटन टेस्ट का तो कब है। ये सारी बातें हम लोग डिटेल से करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दया शंकर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमने IIT गुवाहाटी का वेब यानी कि पोर्टल खोला है, इसका लिंक हम आप लोग को दे देंगे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग जाके यहाँ से देख पाएँ। जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं इस वेबसाइट पे कुछ कि अगर आप लोग मान लीजिए एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअली आपको हर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन देना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि टाइप्स या कैटेगरी ऑफ M.Tech स्टूडेंट, M.Tech प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, डिसिप्लिन, इन सारी जो लिंक्स दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे और लास्ट में आप लोग को एक टेंटेटिव आइडिया के लिए हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कितना स्कोर, गेट का स्कोर लास्ट ईयर एडमिशन के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट था, यानी लास्ट ईयर कितने गेट स्कोर में वो लोग एडमिशन हर डिपार्टमेंट में लिए, वो भी शेयर करेंगे। लेकिन पहले बता दें वो एक जस्ट टेंटेटिव है, क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद भी हमको एग्जैक्ट उसके वेबसाइट से कुछ मिला नहीं, तो ये जस्ट एक टेंटेटिव आप लोग को आइडियाज़ के लिए है जो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, उससे आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीड्योर देखते हैं अप्लाई करने का क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि दो तरीके का चीज़ है इसमें, एक तो वैलिड गेट स्कोर जो लोग गेट एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए है, अप्लाई करने का तरीका अलग है, और जो विदाउट गेट वाले हैं। अब विथ गेट वाले, विदाउट गेट वाले कैसे हैं और कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि जिनके पास गेट स्कोर है वो ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ इस्तेमाल यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास विदाउट गेट है वो ऑफलाइन या पेपर फॉर्म में एप्लीकेशन दे सकते हैं। चलिए अब गेट वाले लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड कीजिए अपने आप को जाके, उसके बाद फिर लॉगिन डिटेल जो भी रजिस्टर्ड कीजिएगा वहाँ इस लिंक पे जाके आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कोपा यानी कि कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो नंबर आपको इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपको ज़रूरी है कि इस पे, इस पोर्टल पे आप जाके कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करें, ठीक है, तब आप फिर यहाँ जाके आप रजिस्टर्ड, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगेगा, उसके बेस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो विदाउट वाले हैं, जो विदाउट गेट स्कोर वाले हैं, उनको कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्मेट है जिसको फिलअप करके या तो पोस्ट से और या फिर मैनुअल, आपको कब तक अप्लाई करना है तो ये देखिए डाउनलोड करके ये सबमिट करना है, पर्सन में भी यानी कि अगर हैंड टू हैंड आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज पोस्ट से आप भिजवा सकते हैं, 5 बजे तक अप्रैल 21, 2020 तक आप भिजवा सकते हैं। दोनों का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है 2 तारीख को 2 मार्च से चालू हुआ है, इसका भी यानी गेट वाले का और विदाउट गेट वाले का भी, और लास्ट डेट कब है सबमिशन करने का, तो पहले कहीं 1 अप्रैल लिखा हुआ था लेकिन इसको बढ़ा के ये 21 अप्रैल तक इन लोगों ने किया है,
तो ये दोनों का सेम चीज़ है, लेकिन टाइमिंग थोड़ा इसका अलग है। इसका है मिडनाइट और इसका है 5 बजे तक आपको। तो याद रखिए, फिर से एक बार रिपीट कर देना, विदाउट गेट वाले लोग ये फॉर्मेट दिया हुआ है उसको भर के पोस्ट से या फिर हाथों हाथ जाके इसके ऑफिस में आप लोग सबमिट कीजिएगा। 21 अप्रैल तक टाइम है आपके पास दिया हुआ, और ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट आपको 21 तारीख को रात 11:59 तक आप लोग सबमिट कर सकते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो कि इसके वेबसाइट पर दी हुई है, क्या है? तो सबसे पहला है वैलिडिटी ऑफ OBC और NCL सर्टिफिकेट। जो लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है कि उनका जो भी ये सर्टिफिकेट हो ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2019, यानी कि ये इश्यू होने का डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी के बीच में इशू होना चाहिए। लिख रहा है कि अगर 1 अप्रैल 2019 से पहले का कोई भी है सर्टिफिकेट अगर दे रहे हैं तो वो इनवैलिड करार दिया जाएगा, यानी उसकी मान्यता नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसके बाद का ही हो, पहले का ना हो आपके पास। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ इनकम और एसेट सर्टिफिकेट ऑफ EWS। EWS कैटेगरी वाले ध्यान रखिएगा कि अगर एनी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट बिफोर 1 अप्रैल का दिया जाएगा तो उनको भी इनवैलिड करार करेगा ये, यानी इसके पहले का नहीं होना चाहिए, अप्रैल 1, 2019 के बाद का ही होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। लिमिटिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेलेक्शन प्रोसेस, ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा रिटेन टेस्ट इंटरव्यू काउंसलिंग के लिए कितना रखा जाए। इफ़ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ गेट, ग्रेड या मार्क्स का वो डिसाइड कर सकता है कितना नंबर को हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे या रखेंगे। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल सेमेस्टर में है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, उनको दिया हुआ है कि सारा चीज़ अपने क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन का आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए 15/7/2020 तक, यानी एग्ज़ाम आप दे दिए हों उस समय तक। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सारा जो डॉक्यूमेंट है डिग्री का वो नेक्स्ट ईयर यानी इस साल 23/8/2020 तक आपको सारा चीज़ आप जमा करना ही होगा आपको, अदरवाइज़ आपका क्या होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मार्क्स का, CPI का और वैलिड गेट वगैरह का, ये सर्टिफिकेशन आपको होना ही चाहिए आपके पास। यानी समझने वाली बात ये है कि आपका 15/7/2020 तक आपका सारा एग्जामिनेशन जो भी है डिटेल से वो दे चुके हों, और 23/8/2020 तक आपका उसका डिग्री क्वालिफाइंग यानी जो मार्कशीट वगैरह है जो भी है आपका कॉलेज का वो आ जाना चाहिए, और आपके पास मिनिमम जो मांग रहा है वो तो उसका मार्कशीट तो होना ही चाहिए, साथ में गेट, नीट, सीट वगैरह जो भी स्कोर कार्ड है वो सारा चीज़ आपको देना होगा। अच्छा, उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इसके हैं मेडिकल इंश्योरेंस के टर्म्स में कि मेडिकल इंश्योरेंस ये लोग वैलिड आपका होगा 1 अगस्त 2020 के बाद से ही वैलिड होगा, इससे पहले आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। एक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम ये लोग चालू किए हैं। वैसे जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे तो शायद हमारा 3rd ईयर या 4th ईयर था, उस समय इन लोगों ने ये स्कीम चालू की थी, उससे पहले भी था कुछ पता नहीं, हमको ध्यान नहीं है एग्जैक्टली क्या था, लेकिन वो लोग इंश्योरेंस मतलब ये मेडिकल इंश्योरेंस तो वो लोग देते ही थे, अभी ये लोग बढ़ा के 1 लाख किए हुए हैं, अच्छी बात है। तो खैर, ये इसके बारे में है कि क्लेम अंडर GMIS विल बी एप्लीकेबल फॉर न्यू स्टूडेंट विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2020। लीगल ज्यूरिडिक्शन पढ़ना नहीं है इसके चक्कर में ज़्यादा आपको, ठीक है? क्या है, कॉन्टैक्ट ज्वाइंट रजिस्ट्रार से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करते समय कोई भी दिक्कत हो तो इस लिंक पर जाके आप लोग डिटेल फिल कीजिए, मदद हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कैटेगरी को देखते हैं ये M.Tech स्टूडेंटशिप में क्या क्या है। तो ये देखिए, इसमें तकरीबन 5 कैटेगरीज हैं। पहला है रेगुलर विथ गेट, दूसरा है रेगुलर एंड IIT BTech विदाउट गेट, तीसरा है स्पॉन्सर्ड एंड फुल टाइम विदाउट गेट, चौथा है एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम विदाउट गेट, और पांचवा है प्रोजेक्ट स्टाफ पार्ट टाइम विदाउट गेट। चलिए ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे,
ब्रीफली थोड़ा इसके बारे में आइडिया ले लेते हैं कि है एग्जैक्टली क्या चीज़। अगर आप लोग को स्टिल कोई कन्फ्यूजन होगा आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन अगर होता है तो आप लोग चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं या फिर इन लोगों से भी पूछ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलर विद गेट। आप ध्यान रखिए ऐसे लोगों को गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एडमिशन के लिए। अच्छा, ये फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम इंस्टीट्यूट के अंदर करेंगे। ऐसे लोग जिनके पास गेट स्कोर है वो एमटेक प्रोग्राम इंस्टीट्यूट में फुल टाइम बेसिस पे कर सकते हैं। क्या करना ही होगा उनको? अच्छा, वो फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप या स्कॉलरशिप के लिए आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से एलिजिबल हैं और उनको 12,400 पर मंथ उनको मिलेगा, ठीक है, अगले 24 मंथ के लिए यानी 2 साल के लिए, सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री फुलफिलमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्रेस एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड टीचिंग असिस्टेंट ड्यूटी। वैसे बता दें टीचिंग असिस्टेंट ड्यूटी ऐसा होता है कि हम लोग के समय में तो 8 घंटा था पर वीक, अभी पता नहीं लगभग वही होगा, यानी कि पर वीक आपको 8 घंटा ये टीचिंग असिस्टेंट का ड्यूटी करना होगा। आपके गाइड या जो भी गाइड नहीं, ऐसे डिपार्टमेंट अलॉट करता है कि इस फैकल्टी के अंदर आप एज अ TA काम कर रहे हैं। तो TA में बेसिकली होता क्या है कि जो कंसर्न फैकल्टी जो क्लासेस ले रहे हैं उसका ट्यूटोरियल हो सकता है आप बनाइए, या ट्यूटोरियल सीट चेक कीजिए, या अटेंडेंस आप लेने के लिए जाइए। सप्ताह में 3 दिन जनरली क्लासेस होता है, अगर ट्यूटोरियल रहा तो 4 हुआ, तो उनके साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये TA होता है, मैक्सिमम 8 घंटा आपको एक वीक में दिया जाता है, जिसके एवज में आपको ये पैसा मिलता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, द फाइनल एडमिशन टू द कैंडिडेट अंडर दिस कैटेगरी इज बेस्ड ऑन 2 तरीके का होता है, मतलब फाइनल एडमिशन। या तो 100% वेटेज दिया जाएगा आपका गेट का, ठीक है, यानी विदाउट काउंसलिंग अगर होगा तो 100% आपके गेट परफॉर्मेंस पे दे के वो एडमिशन ले सकते हैं, या 70% वेटेज आपको देगा गेट परफॉर्मेंस पे और 30% वेटेज होगा इनका रिटेन टेस्ट या इंटरव्यू जो कंडक्ट करेगा वो डिपार्टमेंट, उसके बेसिस पर ये देख सकते हैं, ठीक है। सारे लोगों को ऑनलाइन ये कोप यानी कि कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा और जैसा पहले बताएं रजिस्टर्ड नंबर को ड्यूअली इनके साथ लिंक करना होगा एप्लीकेशन प्रोसेस के समय। अब चलिए दूसरे कैटेगरी में आते हैं, ये उनके लिए हैं जो IIT से BTech किए हैं विदाउट गेट वाले, उनको गेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनका CPI या CGPA 8 पॉइंट होना चाहिए 10 के स्केल पे, और ये भी फुल टाइम बेसिस पर M.Tech प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं वहाँ पे। इनको कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, एग्जेम्प्टेड हैं इससे, ठीक है। इनको भी ये 12,400 का स्टाइपन मिलेगा अगले 2 साल के लिए और इनको भी सेम सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए और TA इनको भी यानी टीचिंग असिस्टेंटशिप इनको भी करना होगा। इनका मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन होता है, यानी पेपर फॉर्म जो पहले दिखाए हैं आप लोगों को वैसा फिल करके IIT के ऑफिस में बाय हैंड या पोस्ट से आपको देना होगा। वैसे बाय हैंड ही ये लोग देते हैं चूँकि BTech वहीं के हैं तो जनरली उसे डाल देते हैं फॉर्म। अब चलिए स्पॉन्सर्ड वाले लोगों के लिए जो फुल टाइम विदाउट गेट वाले हैं, ऐसे लोग का एक चीज़ ध्यान रखिए जो इस कैटेगरी में आते हैं वो 24 महीने का यानी विथ सैलरी एंड स्टडी लीव 2 साल का इनको होना चाहिए। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे R&D ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमिक है, तो उन लोगों से लिखवा के इनको देना पड़ता है कि हमारे यहाँ काम कर रहे थे और इनको इतने यानी कि 2 साल का हम लीव दे रहे हैं, तब वो इंस्टीट्यूट में M.Tech फुल टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको दे आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव फाइनेंशियल स्टेम, कैसे मिलेगा भाई? ये तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ को छुट्टी दिया हुआ है, वो म्यूचुअली वो लोग बात किए हुए रहते हैं, चाहें तो इनको ये संस्था हो सकता है जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ से सैलरी मिलता है, गवर्नमेंट वाले हों तो सैलरी मिलता है, प्राइवेट वाले हों तो नहीं भी देते हैं, कुछ लोग देते भी हैं, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। लेकिन इनको एक बात तो क्लियर है कि यहाँ से इनको पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, इस तरीके से जो भी लोग जाते हैं उनको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ लगभग मिनिमम 2 साल से उनको काम करते होना चाहिए था पहले, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं।
स्पॉन्सरशिप एक लेटर होता है, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ये इनको फुलफिल करा के ये स्पॉन्सरशिप लेटर ये एडमिशन के समय देना होगा, ठीक है, अलोंग विद द एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन विदाउट स्पॉन्सरशिप, जो कि जो भी एप्लीकेशन विदाउट स्पॉन्सरशिप और जो इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनका कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर देर आर फाइनल एडमिशन टू द कैंडिडेट अंडर द कैटेगरी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस और रिटेन टेस्ट वगैरह जो ये लोग लेते हैं उसके बेसिस पर है। इनका भी एप्लीकेशन ऑफलाइन या पेपर फॉर्म होता है, पोस्ट से इनको भी भेजना होगा आपको। फिर आते हैं इम्प्लॉयड या पार्ट टाइम विदाउट गेट वाले, ये बेसिकली उनके लिए है जो IIT गुवाहाटी के कुछ मतलब प्रोफेशनल एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। ये सिर्फ लगभग क्राइटेरिया सेम है इससे पहले वाले का इसमें। और लास्ट वाले आते हैं प्रोजेक्ट स्टाफ या जो पार्ट टाइम विदाउट गेट वाले हैं। ऐसे लोग मतलब ऐसे लोग होते हैं जो R&D प्रोजेक्ट में IIT गुवाहाटी के पहले से ही एक साल के लिए मान लीजिए काम कर रहे हैं, और ये M.Tech प्रोग्राम इंस्टीट्यूट पार्ट टाइम बेसिस पे होता है। और रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एट लीस्ट टाइम ऑफ एडमिशन शुड बी एक साल होना चाहिए कम से कम, इसके अंतर्गत अगर आते हैं तो। इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलता नहीं है, प्रोजेक्ट से ही जो पैसा मिलेगा, और बाकी सारी प्रक्रियाएं सेम हैं इससे पहले वाले की तरह। ऑफलाइन पेपर फॉर्म में आपको सबमिट करना होगा, ज़्यादा डिटेल के लिए पढ़ लीजिएगा इसमें। वैसे हमारे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है रेगुलर विथ गेट, बाकी सब के बारे में सोचना नहीं है, वैसे हम ब्रीफ कर दिए हैं जानकारी के लिए आप लोगों को। अच्छा, अब ज़रा देख लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, हम सोच रहे हैं आप लोग को बता दें। दो ऐसा प्रोग्राम है M.Tech डेटा साइंस और M.Tech इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें आप रेगुलर विथ गेट और रेगुलर ऑफ IIT ये वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नॉन रेगुलर स्टूडेंट कैटेगरी स्पॉन्सर्ड वगैरह वगैरह ये सारे दे आर नॉट अवेलेबल, नॉट एलिजिबल, ठीक है। मतलब इनके लिए, इन सारे लोगों के लिए ये दोनों में आप कोर्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये रेगुलर वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि अब ज़रा देखते हैं कि एडमिशन मतलब जो M.Tech प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन में है उसमें क्या क्या कौन कौन सा ब्रांचेज हैं और उसका डिटेल हम लोग कैसे जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये डिपार्टमेंट हो गया, और इसके अंदर डिसिप्लिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्पेशलाइजेशन क्या है, तो मान लीजिए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपको M.Tech करना है तो यहाँ से आप प्रोग्राम डिटेल देख सकते हैं, प्रोग्राम कोड है ये फिल करना पड़ता है एप्लीकेशन के समय। इसी तरीके से मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप आते हैं, क्योंकि हम मैकेनिकल से हैं इसलिए मैकेनिकल के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दें, तो यहाँ पे एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्सन में आप कर सकते हैं, यहाँ से प्रोग्राम का डिटेल मिल जाएगा। फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक और आता है स्पेशलाइजेशन, ये कौन सा है, तो ये कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है। एक और स्पेशलाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन डिज़ाइन वगैरह वगैरह। अगर मान लीजिए किसी एक स्पेशलाइजेशन के बारे में हमको थोड़ा डिटेल में जानना है तो यहाँ प्रोग्राम डिटेल में हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में हमको जानना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इसमें आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, जैसे M.Tech फ्लूइड एंड थर्मल में 4 सेमेस्टर, यानी जाहिर सी बात है 2 साल है तो 4 सेमेस्टर। तो पहले सेमेस्टर में आपका ये जो 5 जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी सब्जेक्ट होगा और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। अब 5 कंपलसरी में एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स, कंडक्शन रेडिएशन, एडवांस थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग लेबोरेटरी। अब LTPC आप लोगों को पता होगा, L मतलब नंबर ऑफ लेक्चर्स हो गया एक सप्ताह में, T ट्यूटोरियल के लिए है, P प्रैक्टिकल और C क्रेडिट्स हो गया आपका। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 क्लासेस होंगे एक वीक में, ट्यूटोरियल इसमें नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, और 6 क्रेडिट का कोर्स है ये, ठीक है। इसी तरीके से ये सारा कोर्स है, इलेक्टिव आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, इनफैक्ट आपकी मर्जी पे नहीं डिपेंड करता है, आपको आपके गाइड यानी जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, ये सेकेंड ईयर से ये जो 2 सेमेस्टर आप कीजिएगा, इनफैक्ट यहीं पे आपको गाइड को सेलेक्ट करना होता है और उनके अंदर में आप वो कोर्सेज करते हैं, वो बताएंगे कौन कौन सा इलेक्टिव ले सकते हैं।
तो आप यहाँ से इलेक्टिव का चुनाव कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर जाते जाते आपके पास एक कंपलसरी कोर्स होता है और ये चार इलेक्टिव कोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। सेमेस्टर थर्ड में एक ही आपके पास कंपलसरी कोर्स होता है और बाकी का प्रोजेक्ट, यानी कि ये आप प्रोजेक्ट करते रहते हैं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पे इंटायर में। अब लिस्ट ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तो देखिए यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। फाइनाइट एलिमेंट मेथड हो गया, एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन हो गया, ये डिपेंड, ये सारे सब्जेक्ट एक साथ फ्लोट नहीं होते डिपार्टमेंट में, डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट फ्लोट होगा वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है और उसके बेसिस पर इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप करना चाहते हैं M.Tech, ठीक है। तो आपके पास एडमिशन के लिए जो गेट पेपर जो आप दिए हुए हैं वो इसी पेपर का ही आप एग्ज़ाम दिए हों और इसी में क्वालिफाई हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी मर्जी है कि आप M.Tech करें सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग में, तो आपके पास वैलिड गेट का क्वालिफाइंग होना चाहिए आइदर इसी में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। इनमें से तीनों में से आप किसी में भी अगर क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें आप M.Tech करने के लिए एलिजिबल हैं। अब जैसे मान लीजिए फ्लूइड एंड थर्मल में आपको करना है, तो आपको सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही गेट का पेपर दिया होना चाहिए और उसी में आप क्वालिफाई हो तभी आप कर सकते हैं, किसी दूसरे में नहीं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि आप किस में एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट दे दिया है M.Tech अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, और इक्विवेलेंट M.Sc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक, मतलब इस तरीके यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। मिनिमम मार्क्स कितना हो, तो 6 पॉइंट होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे, और मिनिमम ऑफ 60% और एग्रीगेट मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ऐसे ही सारे ब्रांच के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए सिविल मैकेनिकल डिटेल, यहाँ से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब आते हैं सीट वाले में, सीट मैट्रिक्स यहाँ पे एक टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन मेरिट, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर कोई लोग करना चाहते हैं मान लीजिए एरोडायनेमिक्स एंड प्रोपल्शन में M.Tech, तो याद रखिए उसमें सिर्फ 5 सीट है ओपन मेरिट के लिए। EWS जनरल कोटा में 1 सीट, OBC में 3 सीट, SC 2, ST 1, यानी टोटल 12 सीट है इसमें। इसी तरीके से फ्लूइड एंड थर्मल में 14 है ओपन मेरिट में, 4 EWS, 10 OBC, SC का 5, ST का 3, टोटल 36 सीट है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर की तरह ही समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि द कैंडिडेट एंटर नॉन रेगुलर कैटेगरी कैन ऑक्यूपाई ए मैक्सिमम ऑफ 10% सीट, द इंस्टीट्यूट हैज़ ऑल राइट टू मॉडिफाई द अबव गिविंग सीट मैट्रिक्स एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ सीट एलोकेशन प्रोसेस विदाउट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन। बात समझ लीजिए, ये एक जस्ट आइडिया की तरह इसको लीजिएगा, ये लिख दिया है कि कभी भी ये सीट मैट्रिक्स को चेंज कर सकता है काउंसलिंग के समय या बाद में भी, इसकी मर्जी है, वो तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये एक जस्ट एक आइडिया की तरह है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, धीरे धीरे हम इसको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि आप किस में अप्लाई किए। ये एक आइडिया होना ज़रूरी भी है, जिसमें सीट ज़्यादा है अप्लाई कर सकते हैं आपकी मर्जी, अदरवाइज़ अगर बाउंडेड है कि हमको इसी में करना है वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स है, वैसे ये सारे सीट आपको तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानते हैं, यानी कि एप्लीकेशन करने के लिए ऑनलाइन फ़ी कितना देना पड़ता है। तो यहाँ आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन सिर्फ फ़ी आपको देना होगा और ये अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत है, जैसे
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 ऑनलाइन आपको पे करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी है ये। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 150, ट्रांसजेंडर्स 150, ऑल अदर कैंडिडेट्स 300 रुपीज़ आपको प्रोसेसिंग फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी जो कर लीजिए वो आपको देना होगा। ठीक है, अब आते हैं डेट शेड्यूल्स सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में जो आईआईटी गुवाहाटी आप लोगों को बताएगी, क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट नोटिस दे दिया है, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी कैंडिडेट्स को रिटेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए उनको घर पे कोई हार्ड कॉपी लेटर का नहीं जाएगा। ठीक है, उनको कंसर्न डिपार्टमेंट या वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करना होगा कि वो शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए, रिटेन एग्जामिनेशन कब है या इंटरव्यू कब है, उन सारे चीज़ों के लिए। ठीक है, अच्छा, जिनको बुलाया जाएगा रिटेन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए उनको क्या क्या चीज़ लाना है ध्यान रखिए, उनको इंस्ट्रक्शन यानी डाउनलोड जो एप्लीकेशन आप लोग भरे हैं ऑनलाइन में उसका प्रिंट कॉपी डाउनलोड करके लेके आना होगा। अच्छा, एमटेक यानी वही एमटेक ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट कॉपी, कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको लगेगा, ले लीजिएगा, नंबर तो नहीं बताया है लेकिन लगभग 6-7 के करीब में रख लीजिएगा, 10 रखिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, ओरिजिनल के साथ उनका जेरोक्स कॉपी होना चाहिए, एटलीस्ट 3-3 या 4-4 जेरोक्स कॉपी ले लीजिएगा। ये एक अंदाज़ा बता रहे हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है उन लोग को या कभी कभी नहीं भी पड़ता है, तो एनीवे थोड़ा सा तो आप लोग खर्च कर ही सकते हैं। और ये सारे चीज़ों के साथ आपको अपीयर होना होगा रिटेन टेस्ट या इंटरव्यू जो भी वो लोग कंडक्ट करें। वो यहाँ जो आप एक टेबल टाइप का देख रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के कंसर्न में है, इस टेबल को लोग फिल करेंगे कि रेगुलर कैंडिडेट्स कितने हैं, क्या क्या है उनका स्कोर, गेट का स्कोर क्या है, उसके बेसिस पर लोग भरेंगे और फाइनली जो सेलेक्टेड होंगे उनको यहाँ पे भर देंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे खाली दिखा रहा है। जो भी कैंडिडेट इसके बाद सेलेक्ट होंगे उनको इन पर्सन में रजिस्ट्रेशन करना होगा 30 जुलाई 2020 को, यानी थर्सडे पड़ा उस दिन आईआईटी गुवाहाटी में इन पर्सन यानी फिजिकली प्रेजेंट होना होगा उनको। और क्लास स्टार्ट होगा 3 अगस्त यानी मंडे से। फिर आपको एक बात बता दें, ये अंदाज़ा है, हो सकता है सारा चीज़ ठीक ठाक रहे तो ये डेट को ये लोग फुलफिल कर, अभी तक तो यही दिया हुआ है। चलिए अब लास्ट में आप लोग को एक बात बताते हैं कि लास्ट ईयर ये कट ऑफ कितना गया आपका। ठीक है, ये जस्ट एक आइडिया है, आप लोग को एक आइडिया देने के लिए बता रहे हैं, ये कोई इसको एक मतलब आधार मान के आप लोग मत चलिएगा, ये एक अंदाजे के लिए है, हो सकता है इसमें त्रुटियां हो लेकिन फिर भी एक आपको एक आइडिया देगा क्या है। कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर जनरल का 763 गया है, ईडब्ल्यूएस 722, प्लस माइनस हो सकता है 20% 10% आप मान के चल सकते हैं, माइनस तो नहीं प्लस ही मान के चलिए, जितना अच्छा स्कोर रहेगा बेटर होगा उतना मिलने का अपॉर्चुनिटी आप लोगों को। ओबीसी एनसीएल का और एससी का आप लोग देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 749, ईडब्ल्यूएस 730, ओबीसी एनएलसी का ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल का है, सिविल का है और बायो इंजीनियरिंग का है, ये तकरीबन 5 डिपार्टमेंट हैं, उनका आप लोग को अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत हम कोशिश किए हैं कि आप लोग को एक रफ आइडिया मिल जाए इसके बेसिस पर। तो ये आप लोग जिनका भी होगा, जो भी अपीयर इस पर फॉर्म फिलअप कर दिए हैं या जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए एक टेंटेटिव लिस्ट है। वैसे आप लोग को बता दें तकरीबन 5 लिस्ट निकलता है, 4 से 5 लिस्ट निकलता है ये एडमिशन का, और उसके बाद आप लोगों को यानी हो सकता है पहले लिस्ट में कुछ लोग आएँ उनको कहीं और मिल जाए या कोई और बेटर ऑप्शन मिल जाए तो वो लोग छोड़ देते हैं, तो फिर एक सेकंड लिस्ट निकलता है, उसमें नीचे वाले जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं वो ऊपर जाते हैं। इसी तरीके से करते करते 5 लिस्ट निकलता है। तो ये मान के चलिए सबसे पहला लिस्ट का है या हो सकता है लास्ट वाले लिस्ट का भी हो, एक अंदाज़ा है ये, आपको एक अंदाजे के तौर पर बता रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक और आशा करते हैं कि आप लोग को आपका मन चाहा स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट ज़रूर मिले, जैसे जैसे मिलेगा आप लोग बताइएगा ज़रूर हमको। चलिए धन्यवाद, अच्छे से रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।